मैं निवेदिता शुक्ला। पूरी दुनिया के नेता चाहते होंगे कि हमें इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, लेकिन मिलता उन्हीं को है जिसे स्वीडिश एकेडमी चुनती है। नोबेल पुरस्कार मात्र पुरस्कार नहीं है, बल्कि जिन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है उनमें सबसे बेस्ट या यूं कहें कि बेहतरीन उल्लेखनीय योगदान के लिए किसी को दिया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जिसके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है वो कौन थे और उन्होंने क्या काम किया जिसके वजह से आज उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए आज हम आपको अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बताते हैं जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो देर किस बात की, हम शुरू करते हैं नोबेल की कहानी। महान वैज्ञानिक और डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। इनके पिता का नाम इमानुएल था। अल्फ्रेड नोबेल कुल 7 भाई बहन थे। जब अल्फ्रेड की उम्र 4 साल की थी तभी स्वीडन में काम की कमी हो गई और अल्फ्रेड को अपने पिता और परिवार के साथ रूस आना पड़ा। अल्फ्रेड पर विज्ञान का प्रभाव या विज्ञान का बीज बचपन में ही पड़ गया था क्योंकि अल्फ्रेड के पिता की जो फैक्ट्री थी उसमें विज्ञान से जुड़े हुए काम होते थे। अल्फ्रेड के पिता पुल निर्माण का कार्य किया करते थे जिसमें उनके पिता पत्थरों को तोड़ने के लिए या पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने के लिए अलग अलग तरीके सोचते थे और ये सारी बातों को अल्फ्रेड देखा करते थे। स्वीडन से सेंट पीटर्सबर्ग आने के बाद अल्फ्रेड के पिता ने एक कारखाने की स्थापना की जिसमें खानों से गन पाउडर निकालते थे और निकाले गए गन पाउडर का इस्तेमाल रूसी सेना युद्ध में करती थी। पुराने जमाने में नई नई खोजों और नए उपनिवेश स्थापित करने के लिए अलग अलग देशों की सरकारें लड़ाई में लगी रहती थी जिससे उन्हें ज्यादा गन पाउडर की जरूरत पड़ती और इस प्रकार अल्फ्रेड के पिता की फैक्ट्री चल निकली और ज्यादा कमाई होने लगी। वहीं अल्फ्रेड और उनके भाई रूस के बेहतरीन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने लगे। 17 साल की उम्र तक आते आते अल्फ्रेड नोबेल केमिस्ट्री के साथ ही कई भाषाओं के अच्छे जानकार हो गए और रूसी, जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच के मर्मज्ञ हो गए। वहीं अल्फ्रेड नोबेल आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पेरिस चले गए और वहां पर आगे की पढ़ाई पूरी की। अल्फ्रेड पेरिस में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे और पढ़ाई पूरी करने के बाद नोबेल ग्लिसरीन के लिए सुरक्षित तरीका खोजने लगे। आज हम आपको बताते हैं कि उस जमाने में ग्लिसरीन का प्रयोग बहुत ही खतरनाक था, लेकिन ठीक उसी समय अल्फ्रेड को पूरे परिवार के साथ स्वीडन लौटना पड़ा और यहीं पर यानी कि स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबेल ने नीटोग्लिसरीन में सिलिका को मिलाकर एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जिससे विज्ञान जगत में क्रांति हो गई और नोबेल ने इसको नाम दिया डायनामाइट। हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि डायनामाइट का प्रयोग पहले से ज्यादा आसान हो गया और इसका प्रयोग सिलेंडरों में आसानी से किया जा सकता था और इसका तापमान और दबाव में कोई असर नहीं पड़ता था। नोबेल के आविष्कार ने विज्ञान जगत में क्रांति ला दी, लेकिन इसी क्रांति ने नोबेल के दिल पर बड़ा गहरा सदमा भी पहुंचाया क्योंकि डायनामाइट के प्रयोग से युद्ध में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत होने लगी। इसी बात से दुखी होकर अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी सारी वसीयत को एक संस्था के नाम कर दिया। 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई। उन्हीं की मौत के बाद उनके छोड़े गए पैसे के ब्याज से आज 6 क्षेत्रों में लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार भौतिकी, रसायन, मेडिकल, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में शख्स द्वारा किए गए उल्लेखनीय और सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है।